हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। सो लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9th साइंस का चैप्टर 2nd इज मैटर अराउंड अस प्योर का फर्स्ट पार्ट कवर किया था, और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ टूडेज टॉपिक। सो फर्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड्स। लास्ट टॉपिक में हमने एलिमेंट्स कवर किया था, और एलिमेंट के 3 टाइप्स दैट वर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट के बाद अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंपाउंड्स। सो कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंसेस दैट आर मेड बाय कम्बिनेशन ऑफ 2 or more एलिमेंट्स इन फिक्स्ड प्रपोर्शन। तो कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे कि सोडियम और क्लोराइड। ये जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड NaCl, पर एक कंडीशन के साथ कि उनके मास और वॉल्यूम का रेशियो फिक्स्ड हो। फॉर एग्जांपल H2O कब बनता है? वाटर। जब हाइड्रोजन का वॉल्यूम 2 हो और ऑक्सीजन का 1, अदरवाइज H2O नहीं बनेगा। तो फिक्स्ड प्रपोर्शन होना चाहिए, और 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाता है? कंपाउंड बन जाता है। सो यही डिफरेंस है एलिमेंट और कंपाउंड में। जैसे एलिमेंट सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंसेस से बनता है, पर जो कंपाउंड है वो एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे आर होमोजेनियस। ये होमोजेनियस होते हैं थ्रू आउट। सेकेंड, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मीन्स जैसे H2O है, H2O में क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? गैसेस हैं। बट जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? H2O, जो कि एक लिक्विड है। इसीलिए जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से डिफरेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट तो हमारे दोनों क्या है इसमें? गैसेस हैं, पर कंपाउंड क्या बना? लिक्विड। ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। जैसे H2O है, इसमें फिजिकल मेथड से हम H2 और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते, बट यस बाई केमिकल मेथड दे कैन बी सेपरेटेड। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर फिक्स्ड। तो ये हो गए हमारे प्योर सब्सटेंसेस फिनिश, जिसमें हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में पढ़ा। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था प्योर सब्सटेंसेस से, प्योर और इम्प्योर। प्योर सब्सटेंसेस 2 टाइप के थे, एलिमेंट्स और कंपाउंड। यहाँ हमारे एलिमेंट और कंपाउंड फिनिश होते हैं। अब हम बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस की, और इम्प्योर सब्सटेंस होता है मिक्सचर। सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्सचर्स। मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड व्हेन 2 or more सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन एनी रेशियो। मतलब किन्हीं भी 2 सब्सटेंसेस को जब मिक्स किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है। जैसे कि नमकीन है, उनमें क्या है? सब कुछ मिक्स होता है, और किसी भी प्रपोर्शन में होता है। उसमें ये फिक्स नहीं होता नमकीन के अंदर जितने भी चीज़ें हैं वो बराबर बराबर हों। कोई भी चीज़ कितनी भी हो सकती है, तो वो मिक्सचर होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड होमोजीनियस होते हैं, बट जो मिक्सचर होते हैं वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। मीन्स जो कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, जो कंपोनेंट्स हैं वो या तो सेम प्रोपोर्शन में होंगे और डिफरेंट में भी हो सकते हैं। तो अगर सेम में होंगे तो होमोजीनियस होगा, और डिफरेंट में होंगे तो वो हेट्रोजीनियस होगा। सेकंड, देयर प्रॉपर्टी आर सेम एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी होगी वही उनके जो मिक्सचर है उसकी भी प्रॉपर्टी होगी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जैसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को फिजिकल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बट जो मिक्सचर है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि नमकीन का एग्जांपल ले लेते हैं, नमकीन के अंदर भुजिया है, मूंगफली है और भी कुछ है, तो आप क्या कर सकते हैं? हैंड पिकिंग मेथड, हाथ से ही आप मूंगफली को उसमें से अलग कर सकते हैं बड़े ही ईजीली। सो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को हम अलग कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। फोर्थ, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट सेम। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। जो मिक्सचर हैं वो 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सो फर्स्ट इज होमोजेनियस मिक्सचर।
दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड हैव प्रपोर्शन सेम प्रपोर्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अब जो होमोजीनियस क्या है, होमो मीन्स सेम, नेम से ही पता लग रहा है। तो पूरे के पूरे जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट होगा उसके अंदर मिक्सचर का यूनिफॉर्म कंपोजिशन अगर हो, सेम हो, और जो कंपोनेंट्स है उसका प्रपोर्शन भी सेम हो, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। जैसे एयर है, पूरे की पूरे एयर आपको एक जैसी फील होगी, ये नहीं है कि अलग अलग गैसेस। अब जैसे एयर जो है बहुत सारी गैसेस से मिलके बनती है, पर एयर के अंदर हमें अलग अलग गैस अलग अलग फील नहीं होती, सेम लगती है। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है विनेगर। सेकेंड टाइप का मिक्सचर होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस होमोजीनियस का जस्ट अपोजिट है। दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड डज नॉट हैव सेम प्रपोर्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ NaCl एंड सैंड। अगर आप NaCl को और सैंड को, नमक को और सैंड को मिक्स करेंगे, तो क्या वो सेम मिक्स हो जाएंगे? नहीं, वो अलग अलग दिखाई देंगे। मीन्स वो मिक्सचर क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सो ये होते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन। इट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या है? एक मिक्सचर ही है, और वो भी कौन सा? होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। तो जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, सोल्ट सॉल्यूशन, पानी के अंदर अगर हम चीनी मिक्स कर दें या पानी के अंदर हम नमक मिक्स कर दें, तो क्या बन गया? वो एक सॉल्यूशन बन गया। क्योंकि जब शुगर पानी में डिजोल्व हो जाती है तो क्या शुगर हमें अलग दिखाई देती है? डिजोल्व होने के बाद शुगर ऐसे मिक्स हो जाती है कि हमें लगता है ये सिर्फ वाटर है, तो दैट इज़ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हैज़ टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इज़ सॉल्यूट, सेकेंड इज़ सॉल्वेंट। ये दोनों क्या होते हैं? जो कंपोनेंट अमाउंट में कम होता है और जो किसी चीज़ में घुलता है वो सॉल्यूट होता है, और सॉल्वेंट होता है जो ज़्यादा होता है अमाउंट में और जिसके अंदर कुछ घोला जाता है, वो सॉल्वेंट होता है। एग्जांपल ले लेते हैं, शुगर एंड वाटर है। अब पानी ज़्यादा होगा, शुगर कम होगी, और शुगर क्या होगी? पानी में घुलेगी, तो शुगर क्या है? सॉल्यूट, ठीक है। और जो वाटर है वो सॉल्वेंट होगा क्योंकि पानी के अंदर शुगर घुलेगी, तो जो घुलता है वो सॉल्यूट, घुल के रहे हैं यहाँ पर शुगर, और जिसमें घुलता है वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे आर होमोजीनियस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, साइज ऑफ देयर पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल। जो भी उसके अंदर हम पार्टिकल ऐड करते हैं साइज उनका स्मॉल होगा ताकि वो इजीली घुल जाएं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, कंपोजिशन में वेरी। इसका मीनिंग क्या है? आपको किसी भी चीज़ में शुगर कितनी डालनी है, सोल्ट कितने डालना है, वो आपके ऊपर है। तो कंपोजिशन वेरी कर सकती है, कभी आप कितना डाल रहे हैं, कभी आप ज़्यादा अमाउंट डाल रहे हैं, कभी कम डाल रहे हैं, तो वो वेरी करेगी। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। अब जो सॉल्यूशन है वो दो टाइप के होंगे, मिसिबल सॉल्यूशन एंड इमिसिबल सॉल्यूशन। मिसिबल सॉल्यूशन क्या है? दीज आर द लिक्विड विच आर एबल टू मिक्स एंड फॉर्म सॉल्यूशन। मीन्स अगर हम दो लिक्विड्स को मिक्स करें और वो ऐसे मिक्स हो जाएं कि दोनों अलग अलग ना दिखें, तो वो मिसिबल सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे अल्कोहल प्लस वाटर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अल्कोहल और वाटर अलग अलग नहीं दिखाई देगा, वो ऐसे मिक्स हो जाएगा कि एक ही सॉल्यूशन दिखाई देगा, तो वो मिसिबल सॉल्यूशन होता है। सेकेंड इज इमिसिबल सॉल्यूशन, जस्ट रिवर्स होता है। दीज आर द लिक्विड्स विच आर नॉट एबल टू मिक्स और आर अनेबल टू मिक्स। तो अगर हम दो लिक्विड को मिक्स करें तो दोनों लिक्विड अलग अलग दिखाई दें, तो वो इमिसिबल है। एग्जाम्पल से समझते हैं, पानी के अंदर ऑयल ऐड करें, ऑयल अलग दिखाई देगा, उसकी एक लेयर बन जाएगी, वाटर अलग दिखाई देगा, तो वो सॉल्यूशन तो है बट इमिसिबल है कि वो घुल नहीं रहे हैं आपस में। सो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन के बेस पर सॉल्यूशन थ्री टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
द सोल्यूशन दैट डिजोल्व्स एज मच सोल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिजोल्विंग। अब इस डेफिनेशन को ध्यान से समझे। अगर हम एक बीकर में पानी ले लें और उसमें शुगर ऐड करते जाएं, जैसे जैसे हम शुगर ऐड करते जा रहे हैं क्या होगा, वो शुगर घुलते जाएगी। बट एक स्टेज ऐसी आएगी कि हम इतने ज़्यादा शुगर ऐड करने की ट्राई करते हैं कि शुगर मिक्स होना बंद हो जाती है और नीचे बैठने लगती है, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस वो सॉल्यूशन वो जो उतना ही सॉल्यूट ऐड कर सकता है जितना वो कैपेबल है, उसके बाद सॉल्यूट घुलना बंद हो जाता है। सेकेंड इज अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर। ये वो सॉल्यूशन होते हैं जिनमें जितना मर्जी सॉल्यूट मिक्स करते जाओ वो मिक्स होते जाते हैं, ऐसी कोई स्टेज नहीं आती कि वो मिक्स होना बंद कर दें। थर्ड इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड मोर देन इट्स सॉल्युबिलिटी। मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम जितना चाहे सॉल्यूट मिक्स कर सकें विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सॉरी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फो सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था उसमें पानी के अंदर हम शुगर मिक्स कर रहे हैं, बट एक स्टेज जब ऐसी आ जाए कि शुगर मिक्स होना बंद कर दे तो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड बना सकते हैं। कैसे? उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके। अगर हम उस सॉल्यूशन को गैस के ऊपर रख दें और फिर चीनी घोलना शुरू करें तो हम जितना चाहे उतनी चीनी घोल सकते हैं, उस स्टेज पे जो सॉल्यूशन होगा वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा इस वीडियो का सेकंड पार्ट। सो चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट के साथ आज हम अपने वीडियो की एंडिंग कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।